स्वागत है आपका मिनी सही एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। वार्ड क्रमांक 339 में सड़क का होगा निर्माण कार्य। भूमि पूजन मौके पर वार्ड वासी सहित सांसद प्रतिनिधि रहे मौजूद। संस्कृत भाषा के कंठस्थ ज्ञान और प्रचार प्रसार हेतु सरस्वती शिशु मंदिर में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। विद्वानों सहित जिम्मेदार रहे मौजूद। और शहर में अपराधियों के भय से मुक्ति व सुरक्षा के उद्देश्य को लेकर पुलिस कप्तान सीएसपी टीआई व पुलिस बल द्वारा निकाला गया पैदल मार्च। विदिशा नगर के वार्ड क्रमांक 38 और 39 में सड़कों के निर्माण कार्य होना है। लगभग 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाले सड़क के लिए क्रांति चौक से आशीष मंगल वाटिका हाईवे तक भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, वार्ड पार्षद सहित वार्डवासी मौजूद रहे। मुकेश टंडन जी, प्रदेश में कार्य समिति सदस्य भाई बिट्टू भदौरिया जी, हमारे नीरज जी, हमारे पार्षद गण भाई नीलाधर जी, उनके मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। दुर्गा नगर मंडल के महामंत्री प्रशांत सर, एक परेशानी का विषय था। फेसबुक पे आए दिन में पोस्ट देखता था, लगभग 100 की से ज्यादा की तादाद में लोग ये पूछते थे कि तिल्ला खेड़ी वाला रोड कब बनेगा। तो आज उसका भूमि पूजन हो गया है और जो तिल्ला खेड़ी में जो काम चल रहे हैं, आदरणीय भाई साहब की परिषद से स्वीकृत काम थे, जो 5 करोड़ का नाला आप देख रहे हैं भाई साहब की परिषद में स्वीकृत था, उनकी कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम हुए हैं वो विगत 30 वर्षों में कभी नहीं हुए थे, और उन्हीं में से एक ये नाला बन रहा है। ये सड़क भी उनकी परिषद में ही स्वीकृत थी। मैं चाहता हूँ एक बार आप भाई साहब के लिए ताली बजाएं। और सबसे ज़्यादा काम, ये बात बिल्कुल सही है कि वार्ड नंबर 39 में ही चल रहा है, करीब 10 करोड़ के काम जो है वार्ड नंबर 39 में चल रहे हैं। अब वो कैसे एकदम अचानक पूरे काम वार्ड नंबर 39 में आ गए, ये हमें नहीं पता। तो दीपक जी बहुत खुश हैं कि बहुत काम हो रहे हैं, और आप सब लोगों से मैं एक सहयोग जरूर चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी सीसी बनती है तो एक सबसे बड़ी कंप्लेंट आती है, ढंग से तराई नहीं होती और लोग वाक जो है उसमें आना चल रहा है, उनके उन्हें समय का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता परम आदरणीय मानसिंह जी राज भोगना पड़ेगा, ये कष्ट आप लोगों को भोगना पड़ेगा, तब जाके सीसी अच्छी बनेगी। नहीं तो सीसी बीच में से फट जाती है अगर उसकी ढंग से तराई ना हो, और फिर बाद में आप ठेकेदार को और अध्यक्ष को बदनाम करोगे। ये बात अभी सुन लो कि भैया जहाँ जहाँ सीसी बन रही है और जिन लोगों ने उसका मतलब अच्छे तरीके से रखरखाव करा उस पूरे वार्ड में, मतलब लगभग आज की डेट में शहर में 100 जगह काम चल रहे हैं। तो सीसी का जो है मैंने यही देखा कि जहां आवागमन नहीं रोका गया, जहां तराई ढंग से नहीं हुई, वहां सीसी अच्छी नहीं बनी। तो आप सब लोगों का सहयोग। कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल सलाकारी के दूसरी बार इस्तीफा देने के चलते उनके समर्थकों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने अपनी बात मीडिया से साझा की है। ताज़ा खबर शायद ये है कि आपने इस्तीफा दे दिया, क्या कारण रहा और किन परिस्थितियों में इस्तीफा दिया, क्या चाहते हैं? देखिए, मुझे थोड़ा सा मेरा जो नेचर है उस हिसाब से मैं थोड़ा अपने आप को
मेरे स्वभाव में वो चीज़ थोड़ा मुझे थोड़ा सूट नहीं करेगी एक्चुअली। पॉलिटिक्स जो है मैं जो सोचा था मैंने वो नतीजे में नहीं दे पाता, तो मुझे थोड़ा सा इसलिए मैंने इसी साल चुनाव है, ऐसे में क्या आप देख रहे हैं अपने आप पर क्या जिम्मेदारी उठाते हैं? नहीं देखिए, मैं तो एक पुराना कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस के प्रति मैं समर्पित हूँ, लेकिन ये है कि कोई जिम्मेदारी लूँ और उसको ठीक से दायित्व ना निभा पाऊँ तो पद ऐसे पद रखने से कोई फायदा नहीं है। अभी जो आयोजन पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं क्या उसमें सक्रिय रहेंगे? नहीं, हम तो कांग्रेस के लिए तो हम चूंकि एक विचारधारा से कांग्रेसी, हम लोग कोई उस तरह के कांग्रेसी नहीं है, हमारी एक विचारधारा है उसके लिए हम समर्पित हैं। तो पार्टी में पार्टी के हित में जो भी होगा करेंगे, लेकिन अब पद जैसी चीज़ जो है वो अपना थोड़ा सा चूंकि जवाबदारी ऐसी नहीं सीधी ले पाएंगे। इस्तीफा किसको और किस तरीके से भेजा? नहीं, वो अध्यक्ष महोदय को दे दिया मैंने, ऑफिस भेज दिया मैंने कार्यालय, और वो देखिए जो भी है। केशवनगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 20 मई से 2 जून तक आयोजन होगा। नगर के संस्कृत विद्वानों सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, राकेश शर्मा, ज्योति शाह सहित पार्टी जन उपस्थित रहे। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म अगर भारत राष्ट्र में चलाना है तो उसके लिए मूल रूप से संस्कृत की परम आवश्यकता है। भारतवर्ष में जहाँ संस्कृत का प्रचार प्रसार हो ये तो ठीक है, लेकिन आंगल मतों में भी संस्कृत का प्रचार प्रसार हो इसके लिए संस्कृत भारती के माध्यम से विदेश में और भारत राष्ट्र में अनेक जगह संस्कृत के प्रचारार्थ शिविरों का आयोजन किया जाता है। उसी के अंतर्गत विदिशा नगर में 20 मई से लेकर 2 जून तक संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए संस्कृत कैसे जनमानस के मन में पहुंचे, कैसे संस्कृत से व्यक्तित्व जागृत हो, उसके निमित्त संस्कृत भारती के द्वारा ये शिविर लगाया गया। इस शिविर में संस्कृत भारती के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, मध्य भारत प्रांत के पदाधिकारियों के साथ साथ ये शिविर इसलिए परम आवश्यक है क्योंकि इसमें जो शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उन शिक्षकों को और अच्छे तरीके से संस्कृत समझाने के लिए संस्कृत के विद्वान लोग इस विदिशा नगर में आए हुए हैं। इस कार्यक्रम में कौन कौन पधारे थे? मध्य भारत प्रांत के संगठन मंत्री महोदय जागेश्वर जी पटले, उनके साथ श्री पवन द्विवेदी जी जो जिनके पास विदिशा का विभाग प्रमुख है, और पुरुषोत्तम शर्मा जी। साथ ही आज विदिशा नगर के गणमान्य नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी लोगों का आगमन यहाँ विदिशा में हुआ। प्रांतीय पुजारी महासभा के अंतर्गत संजय पुरोहित जी, पंडित नारायण प्रसाद जी शर्मा का यहाँ आगमन हुआ। विदिशा नगर की पृष्ठभूमि में राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो श्री मुकेश जी टंडन, राकेश जी शर्मा, मनोज जी कटारे और बहन ज्योति जी शाह और राजकुमार सोनी प्रिंस, इन सब का आगमन हुआ। इनके माध्यम से संस्कृत के प्रचार प्रसार के का बीड़ा इनको सौंपा गया। ये कार्यक्रम यहाँ आज आयोजित किया गया। मम नाम डॉक्टर जागेश्वर पटले,
अहम संस्कृत भारती मध्य भारत प्रांत से प्रांत संगठन मंत्री अस्मि। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया, क्या उद्देश्य इसका, क्या संदेश है और क्या प्रेरणा देने लगे आज के समय की युवा को? जी संस्कृत भारती संस्कृतम पाठयति अत्र मध्य भारत प्रांत से 16 जिला हैं तथा 11 जिलातः अत्र कार्यकर्तार आगतवन्तः सन्ति। ते संस्कृतं पठनार्थम् आगतवन्तः। इदानीं सर्वेषां मुखे भाषा नास्ति, किन्तु एते सर्वे संस्कृतं वक्तुं समर्थाः अभवन्, संस्कृत संभाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति, अब ये संस्कृत में बोल सकते हैं, इतना इन लोगों का इस 5 दिन में हो चुका है। 2 जून तक हमारा ये वर्ग चलने वाला है और उनमें निखार आएगा और वो अच्छा संस्कृत बोल सकते हैं। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत विदिशा नगरपालिका के राजस्व विभाग में करीब 80 लोगों को नामांतरण भेंट किए गए, वहीं फूल मालाएं भी पहनाई गई। राजस्व सभापति ज्योति सिद्धार्थ जैन, राजस्व प्रभारी राकेश वैद्य द्वारा जानकारी दी गई। सेवा के अंतर्गत हितग्राहियों को जो प्रकरण नामांतरण के स्वीकृत किए गए थे उनका वितरण का कार्य किया गया, जिसमें 80 नामांतरण का वितरण किया गया सभापति महोदय द्वारा। CBSE स्कूल संचालकों ने कलेक्टर मशंकर भार्गव से मुलाकात की और ज्ञापन के माध्यम से बताया कि CBSE के विद्यार्थियों को कोर्स खरीदने के लिए बाध्य नहीं है, वह पूरी तरह स्वतंत्र है, किताबें कहीं से भी ले सकते हैं। प्राइवेट स्कूल संचालक से हुई चर्चा। ओके सर, जिला अध्यक्ष मानसिंह राजपूत, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला विदिशा। आज के संबंध में क्या पक्ष पर क्या मांग है? आज हम सभी निजी स्कूल शिक्षण संघ एवेलन करें पुस्तकों के विषय में कहते यहाँ पर एक ज्ञापन हमने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन का एक आवेदन सौंपा हुआ है, जिसमें कुछ लोगों ने ये शिकायत की थी कि एक ही दुकान से अन्य पुस्तकें क्रय की जाती हैं। ऐसा नहीं है, जितने बड़े स्कूल होते हैं कम से कम 3 या 4 या 5 दुकानों से ही कहते हैं बुक्स लेने के लिए वो करते हैं, और यदि पेरेंट्स चाहे तो किसी भी दुकान से बुक्स खरीद सकते हैं, पूरे मार्केट में बुक्स ओपन से। इसमें NCERT के बुक्स के संबंध में कुछ संघों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया था, उसके तारतम्य में आज माननीय कलेक्टर महोदय को हमने आवेदन दिया है। चूँकि सत्र शुरू हो चुका है और 1 अप्रैल से 1 महीने मतलब लगभग 45 दिन कहते स्कूल लग चुका है और अधिकांश पेरेंट्सों ने माने तो 80% पालकों ने बुक्स ले ली हैं, और हम माननीय शासन के आदेश का पालन करते हैं सभी स्कूल संचालक। इस माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए कि अब बुक्सों को वापस होना पॉसिबल नहीं है, इसमें पालकों की और बच्चों को सभी को दिक्कत होगी और जिससे स्कूल को भी दिक्कत होगी। हम माननीय निवेदन करते हैं कि आगे इस प्रक्रिया को हम शासन को मानेंगे और इसके संबंध में सूची जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को सभी स्कूलों ने पूर्व में ही उपलब्ध करा दी थी, अगर किसी प्रकार का निर्णय होना था तो स्कूलों को पूर्व में ही आदेशित कर देती जिससे कि इस समस्या से हम बच सकते। अपर मेडिकल अधिकारी डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने गर्भवती महिलाओं को थायराइड सहित अन्य बीमारी से बचाव हेतु सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी है। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, एन
सिटी मेडिकल ऑफिसर जिला चिकित्सालय में। जी सर, गर्भवती महिला के लिए थायराइड के बारे में क्या कहेंगे? जैसे थायराइड जो होती है उसके बारे में। देखिए, गर्भवती महिलाओं में थायराइड की जांच अति आवश्यक है। यदि थायराइड की बीमारी गर्भवती गर्भ के काल में होती है तो जो नवजात शिशु है उसके मानसिक और शारीरिक विकास में बहुत दिक्कत आती है। उसका मानसिक और शारीरिक विकास होता नहीं है, बच्चा मंदबुद्धि होता है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है। इस कारण से गर्भवती महिलाओं को उनकी ये जानकारी जरूरी है कि उनको थायराइड है या नहीं है, तो इसलिए इस थायराइड की जांच अति आवश्यक है। तो प्रचार प्रसार की सर ऐसे में कमी देखी जाती है सर, इसके लिए अपन क्या प्रयास करें और किस तरीके से अपन उनको अवेयरनेस लेके यहाँ जानकारी दें उनको? देखिए, आज 25 मई विश्व थायराइड दिवस है। एक्चुअल में क्या है कि थायराइड की बीमारी की जानकारी बहुत कम लोगों को है, क्योंकि इसके बारे में ना तो कोई जागरूकता अभियान होता है ना ही कोई कुछ होता है। जब तक मरीज की जांच नहीं कराए तब तक उसके समझ में नहीं आता है कि उसको थायराइड है या नहीं। तो कुछ जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थायराइड हमारे शरीर में एक प्रकार की ग्रंथि है जो गले में होती है, तितली के आकार की होती है। इससे कुछ हार्मोन का स्राव होता है, जैसे T3, TSH और T4 होता है। यदि TSH कम होता है तो थायराइड की बढ़ जाता है हार्मोन, और TSH कम होता है तो थायराइड हार्मोन कम हो जाता है। प्रारंभिक लक्षण क्या रहते हैं इसके? देखिए, थायराइड कम के लक्षण ये होते हैं कि उसमें वजन बढ़ता है, पसीना नहीं आता है और कॉन्स्टिपेशन रहता है, मरीज को ठंड अधिक लगती है, भूख नहीं लगती है और उसकी त्वचा सूखी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, बाल झड़ते हैं। यदि थायराइड बढ़ जाता है, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, उसमें वजन कम हो जाता है, भूख अधिक लगती है, पसीना बहुत आता है, थरथराहट आती है और सब उसमें मरीज को हार्ट रेट बढ़ जाती है, मतलब उसकी हृदय गति बढ़ जाती है। थायराइड की अधिकता है या कमी है तो हृदय गति पर बहुत प्रभाव पड़ता है, कभी भी हार्ट अटैक आने की संभावना होती है, मस्तिष्क के विकास में दिक्कत आती है और शरीर के उपापचय में बहुत दिक्कत आती है। शहर की आवाम में अपराधियों के भय से मुक्ति व सुरक्षा के उद्देश्य के चलते थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत नगर की मुख्य रोड से पुलिस कप्तान दीपक कुमार शुक्ला, CSP विकास पांडे, TI आशुतोष सिंह सहित पुलिस बल की उपस्थिति में पैदल भ्रमण किया गया। वहीं संदिग्ध वाहन चालकों की सघन चेकिंग भी की गई। तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विधि से एन टी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबर में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर ENT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर सटीक।